इधर लाओ ना कैसे लो रोल सब ऐसे पास में रखना ऊपर कर थोड़ा हां चलेगा तो पूछ लो आप रवि क्या बताएं गप्पू भैया किसके नेतृत्व में आपने आज कांग्रेस में प्रवेश किया। प्रदेश के जो अध्यक्ष है बाड़ा साहब थोरात और हमारे यहाँ के गोंदिया भंडारे जिले के लोकप्रिय नेता युवाओं के चाहते एक काम करने वाले जो आमदार है नानुभाव पटेल है विधानसभा के अध्यक्ष है इनके नेतृत्व में मैं राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुआ हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो हर समय मुझे मदद करेंगे पार्टी को मजबूत करने के लिए साथ में रहेंगे और हम सब युवाओं का उत्साह बढ़ाते रहेंगे। 100% नानाभाव पटेल के नेतृत्व में मैंने राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश किया हूँ यही मैं आज यहाँ पे कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। रुपया क्या बताएं क्या बताएंगे आज कांग्रेस में प्रवेश करके आए हैं आपने गोंदिया में पहली बार क्या बताएंगे। बहुत खुशी की बात है कांग्रेस में प्रवेश किया जिला अध्यक्ष महोदय साथ में है और मैं राष्ट्रवादी में था लेकिन राष्ट्रवादी के विरोध में जाके कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ हूँ। सम विचारधारा की पार्टी है और माँ के घर से मौसी के घर में आया हूँ इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रफुल्ल भाई मेरे आदर्श थे आगे भी रहेंगे। राजनीतिक पार्टियाँ अलग अलग हो गई लेकिन सम विचारधारा की पार्टी है इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि जीवन भर राका कांग्रेस एक साथ मिल के चुनाव लड़े और हम एक साथ रह के ही काम करेंगे ना किसी व्यक्ति के विरोध में विरोध के कारण मैं यहाँ आया ना कोई पार्टी के विरोध के कारण यहाँ आया। क्या एजेंडा है आगे का? आगे जनता की सेवा करना है राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूत करना है गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले जाके और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में उसके पिछले 7 साल से की हुई जो पॉलिसियाँ हैं जो जनहित के विरोध में है किसान के विरोध में है कई साल से रोजगार के जो अवसर थे वो बंद हो चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के उन सब चीज़ों को हमने जनता तक पहुंचाना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश से हटा के कांग्रेस राका गठबंधन की सरकार इस देश में बैठे इस प्रकार की हम वर्किंग करेंगे। आने वाली जिला परिषद में क्या स्थिति रहेंगी राष्ट्रवादी और कांग्रेस की? राका कांग्रेस मिलके लड़े यही हमारी सबकी इच्छा है। क्यों सर? बराबर। लेकिन अब परिस्थिति के हिसाब से जैसा भी होगा मान सम्मान के साथ में सब चीज़ें मिलेंगी तो निश्चित रूप से राका कांग्रेस मिलके लड़ेंगी और लड़ना चाहिए। कितने लोगों ने आपके साथ में और प्रवेश किया कांग्रेस में? अभी फिलहाल हम 12 लोगों ने किए मुंबई में प्रवेश और बाकी और भी हमारे जो प्रमुख लोग है वो कुछ दिनों के बाद में एक अच्छा कार्यक्रम लेके उसमें बाकी लोगों का प्रवेश कराएंगे। लेकिन सम विचारधारा की पार्टी में गए हम विपरीत विचारधारा की पार्टी में नहीं गए इसलिए बहुत ज़्यादा काम करने में बदलाव लाना है या ऐसा कोई परिस्थिति नहीं बनेगी। कांग्रेस में सब सम्माननीय लोग है किसान साहब है राष्ट्रवादी को थोड़ा यदि धक्का भी पहुंचा लेकिन आगे सब मिल के रहने वाले इसलिए बहुत बड़ा ऐसा नुकसान मेरे को नहीं समझ में आता। थैंक यू।